धर्मपुरी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना महामारी में लगातार अपनी ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बुधवार में प्रथम चरण में वैक्सीन का टीका लगाने का कार्य शुरू हुआ। वैक्सीन टीकाकरण के दौरान सबसे पहला टीका आशा सहयोगी तबस्सुम खान को लगाया गया। टीका लगाने के बाद तबस्सुम खान ने बताया कि मुझे कोरोना वैक्सीन टीका लगे 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। सभी को यह टीका लगवाना चाहिए, यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। टीका लगाने की प्रक्रिया के दौरान नाम वेरिफिकेशन से लेकर टीका लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन तक के लिए अस्पताल में पूरी टीम मौजूद थी। इस दौरान वैक्सीन टीका लगवाने के लिए अस्पताल परिसर में स्वास्थ्यकर्मी आशा कर्मियों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने में आई। वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ाई गई। भारतीय न्यूज के लिए सैयद जफर अली की रिपोर्ट। सर नॉर्मली कुछ नहीं है, मतलब पहले जैसे मैं आई थी वैसा अभी भी वैसे ही फील कर रही हूं। कितनी देर हो गई आपको? मुझे 30 से 40 मिनट हो गए। और दूसरों से क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से यही कहूँगी कि लगवाएं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है अपने को। और मतलब अच्छा, जैसे नॉर्मली मैं पहले महसूस कर रही थी अभी भी वैसे ही महसूस कर रही हूँ। सर ये सोलो कौन है? हमारे भी फ्रंट लाइन वर्कर जो है, वर्कर से अभी फिलहाल फर्स्ट लिस्ट में जी। सर जो वैक्सीन को लेकर के अफवाहें से वो सोशल मीडिया पे चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या नॉर्मल जो इम्यूनाइजेशन होता है हम लोगों का रूटीन का जो जी, कई बार बच्चों को फीवर वगैरह हल्की शिकायत रहती थी, इतना कई बार किसी को बॉडी एक वगैरह की शिकायत, ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो अभी तक सामने नहीं आया है। Subscribe now to most exciting channel ever.